ਜਨਰਲ ਵੇਖ ਸਿਕੰਦਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਓ ਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਗੇ ਕੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰੇ ਪਰ ਸ਼ੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਰਸਕਾ ਸ਼ੇਰਿਆ ਤਰਸਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਨਾ ਮੰਗ ਸਿਕੰਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅਥਰੂ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਵਾਇਬੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬਹਿਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੱਡਿਆ ਸ਼ਰੀਫਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਾਤ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਡਾਕੂ ਤੇ ਤਵਾਇਫ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਵਾਇਫ ਅਦਾਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤਮਾਸ਼ਬਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੱਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਚ ਨਚਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਲਿਕ ਤੇ ਬਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਡਾਕੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂਆ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਪਈ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਰੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਕਬਰ
जिस मकसद ले तू टैक्सी ड्राइवर बने, इंशाल्लाह वो मकसद तेरा जरूर पूरा हो। तेरिया तसलियां सुना ते यकीन आ जाता है, मां दे अथरू वेखा ते कलेजा भर जाता है। चाचा पता नहीं तकदीर मेरे नाल की खेड खेड रही है, मैनू तो इंज लगता है चाचा जिवें सकता, इसलिए कि इन्हें अपनी बोलने वाली जबान ही वड ली है। मां पता लगा मेरी गुड्डो दा? की दसा मां, मैनू तो इंज लगता है जिवें तेरे सबर ते मेरे हौसले दी हाले कैद मुक्की नहीं। मां हौसला ना हारी पुत्तर दे, नहीं ते मां भी डोल जाएगी। मैं तेनू किवें समझावा मां, अज जो जालम मिलिया सी जिहड़ा मेरी भैण नू चुक के लै गया सी, किथे ओ जालम जिन्हें मां की गोद खाली की है, एक पुत्र यतीम किया है। मैं उन्हें पूछा तो सही कि जुर्म से साढ़ा जिदे सजा दी है उन्हें। वो तेनों कुछ नहीं दस सकेगा मां, उन्हें अपनी जबान बट ली है, वो गुंगा हो गया मां, गुंगा हो गया। नहीं पर नहीं, मेरी आखिरी आस भी तोड़ दी हो, हूं मैं किस वास्ते जिंदा रहूंगी? नहीं मां नहीं, तेनू जिंदा रहना पेगा मेरे लिए, मेरी भैन गुड्डो लिए। यकीन कर मां, एक दिन मेरी भैन गुड्डो इस घर के दरवाजे से जरूर आएगी। कौन हो तुसी? साढ़े तरफ की कोई लोड़ नहीं भाई, सिर्फ खुदा का शुक्र अदा कर के तेरी धी सही सलामत घर पहुंच गई है। ते होड़े याद रखी, ए शेरे दी अमानती। चल बैराम। झूठा प्यार चेहरे ते ले आके हुण मैनू कोई नवा चक्कर न देनी मां, मैं समझ गई हूं तेनू औलाद नालों ज्यादा प्यार दौलत पहले, जिन्हों तू कमाण लई अपनी धी की इज्जत का सौदा एक बेगैरत नाल कर दिता सी। तवाइफ की इज्जत उदी नीलामी हुंदी है दिलनशी, जे तमाशबीन बद चढ़ के बोली ना देन ते शरीक मेरे मार देने। धियां की इज्जत लुट जाए ते मापे शर्म नाल मर जाते ने, पर तू किहो जी मां है जिहड़ी शरीकां नूं खुश रखण लई मेरी इज्जत
बार बार इज्जत का ना लेके अपने आप नु शरीफजादी बनाने की कोशिश ना कर दिल नशी। मैं तेरी तालीम और तरबियत लखा रुपए खर्च किए ने, तेन खरीदने लिए 50,000 रुपए दिते सन। तू जवान होके मैनू मुनाफा देने की बजाय नुकसान पहुंचाना चाहनी है? एदा मतलब है मैं तेरी धी नहीं। जे तू मेरी धी होंदी ते फिर मेरे इशारियां ते चल के तमाशबीना नू अपनी उंगलियां ते नचांदी ते इस बाजार च मेरा नाम रोशन करती। मैं भी कहो कि तेरे पैरों चो जन्नत की बजाय तुझे दस एक क्यों आंदा? तेरे चो ममता की खुशबू क्यों नहीं आती? मैनू दस मैं कौन हाँ, कितनी औलाद हाँ, कितना खून हाँ? तू मेरी मलकियत है, तेरे मथे ते मेरी जात की मोर लगी है। सिर्फ इन्ना याद रख दिलनशीन, तू एक तवायफ है, तवायफ। किथे गई इन्नी बड़ी रकम, दसदा क्यों नहीं, जवाब दे मैनू। जी वो रकम उन्होंने अपनी राजी जरूरत लिए मंगवाई। बकवास करना है तू, तैनू एक एक गल का इल्म है, तू ओदा राजदार है। नहीं नहीं सर, ए गल नहीं। ते फिर मैनू दस सजा कराची क्यों गया? दस दे जमील, आज तेरी वफादारी का इम्तिहान है। मैनू दस शहजाद कराची क्यों गया, किने कौन गया? जे तू नहीं दसेंगा तो मैं समझ लांगा कि मेरे इर्द गिर्द हर इंसान झूठा है, बेईमान। नहीं सर, यह गल ना करो, मैं बेईमान नहीं। मैं तुम्हें दसना कि शहजाद किथे गया। मेरे नाल नाराज हो गए? नहीं शराज, मेरी गल मनेगा। इन ओठा से आए एक लफ्ज वास्ते अपनी जान दे सकता शराज। हुक्म शराज जी। हाँ तू इतने ना आया कर। आया कि इतने छापा पैन वाला है? मेरा मतलब है कि इतने ना वाली तो गल जी सफा ही मार दो। तू समझता क्यों नहीं? मैं पता लगे तू बहुत बड़े खानदान का चश्म चढ़ा गई। इतने आने तेरे खानदान की इज्जत इज्जत रवे या ना रवे, मैनू तेरी जरूरत है दिलशील। मैं फैसला कर लिया है कि तेरी खातर मैनू अपने उच्चे खानदान नाल टकराना पिया, टकरा जाऊंगा। शिराज थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दिलशील, फिर मैं तेनू इतों हमेशा ते ले जाऊंगा। हेलो, मैं शहजाद का वालिद खान बहादुर बोल रहे हैं। मैं तेरे नाल एक जरूरी मुलाकात करना चाहना। तू होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल दे स्विमिंग पूल ते आ जा। जी जी मैं पहुंच जावांगी। जी खान बहादुर वाले मैनू पुकराज कहते हैं। तैनू इतने इसलिए बुलाया है कि तेरी शोहरत साड़ी बदनामी का बायस ना बन जाए। तेरे कोठे ते इसलिए नहीं आए कि उत्थे सिर्फ गुनाह का कारोबार होता है, पर साढ़े सौदे की शक्ल गुनाह नहीं सवाब है। दौलत नू चंगी तरह वेख ले, जिदी भुख ने तेरी धी नू
साढ़े घर का दरवाजा विखा दिता है। वो दे कुंगरू साढ़े पुत्र शहजाद दे पैरां दी जंजीर बन गए। मैं समझ गई हूं सेठ साहब, तुसी दौलत दे जोर ते ओ रिश्ता खत्म करन आए हो जड़ा शहजाद ते दिलनशीन दे दरमियान कायम होया। रिश्ता नहीं, गलत फहमी। जवानी दी फुल, खून दा जोश, जीने साढ़े रुतबे नू तेरे कोठे दी दहलीज़ा च दफन करन दी कोशिश की थी। असी अपने नां दे नाल किसे तवायफ का नां नहीं लेना चाहते, किसे गंदे खून विच अपना खून शामिल नहीं करना चाहते। शहजाद दी मां दे मरण तो बाद असी उन्हों खुद मां बन के पालिया, पर हुने जवान होण तो बाद साढ़े लाड प्यार नूं एक तवायफ दे पैरा च जा सुटिया। मैं ओदी उस फुल दी फीस तेनू मुंह मंगी देन लई तैयार हां, पर ए गल सुनन लई तैयार नहीं कि खान बहादुर दा पुत्र एक तवायफ दी अदावां दा गुलाम बन गया। फिर हाल है ना, याद रख मुंडिया, आज तो बाद तू इस कोठे ते कदी नहीं आएगा। यह भी भूल जाए, कदी तू इस कोठे ते आया से या तेरा किसी नाल कोई वास्ता सी? ए किस तरह हो सकता है, इस कोठे ते मेरा प्यार है, इथे आउन तो मैनू कोई नहीं रोक सकता। असी कदम ना रोक सकिए, रस्ता उजाड़ देनी है। कालू, कालू, इस आशिक दे सिर तो इश्क दा पूत ला दे। मैं चंगा भला सड़क ते लगा जा रहा सा कि धूम दी आवाज आई, मैं गटर दे विच डिग पिया। डिगन नाल जख्मी नहीं होया, अंदर कोई बंदा काम कर रहा सी, उन्हें मैनू मार कुट के बाहर सुट्टा। बाहर कुट के बाहर सुट दिता? तेने दिन तो पुत्र गटर विच रहे। नहीं नहीं डैडी, मैं अपने एक दोस्त दा लिया वा, उत्थे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सी, उहदे मल्लेदार उस मल्ले च करना चाहते सन, बस मेरा नवाबी खून सी, मैं स्टैंड लै गया। उन्होंने स्टैंड पान के हाथ च फड़ाता जी। शाबाश पुत्र, दोस्तों की मुश्किल से इस तरह काम आई दे, शाबाश, जिंदा बाद। थैंक यू, मैंने किधरे पा दियो बखुरदार। तेनू की होया, मैं समझा दे सही। चाचा जी किधर बेवकूफ हो तुसी, मेरी बांह दुखाती है, आ मेरा दिल कटन लगा, मैं पा दे तुसी। ओ आओ, की आ तुसी, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे मेरे सराहने बैठ जाओ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਪੁਖਰਾਜ ਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਓ ਚੈੱਕ, ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਪੁਖਰਾਜ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਖਰਾਜ ਵੀ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਸ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਦ ਸਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
टीन का सारा बारूद अमानत जिसम जिन्हें शेरे नाल गद्दारी करके कानून का इनाम से हासिल कर लिया पर अपनी समी जमानत नहीं ला सकया। दुख सिर्फ उस कसम दे चक्या जड़े शेर ने सानू पाके दुश्मन की जिंदगी दे दिन और वजा दिते ने शेर का सूल क्यों पतला हो जाता है और सकंदर ये समझ रहे कि असि पुसते ला जड़ा इशारने का पुसला नहीं ला सकते शेरा कानून दिया सलाखच कह दे असी दुश्मन की लाश शेरे नु जेल भेजा गया ते कैदिए राशन वेख के खुशी नाल पागल हो जाएंगे पागल हो जाएंगे। गंदरे की मौत की लकीर ऐसा थे ओदे नसीबा च मरना सिर्फ मेरे को लिखी ओदे जिसम च रोते ओदे निकल जाएगी शरिया जदों तेरे जेल बाहर आने की खबर मिलेगी। मैं अपने दुश्मन नु ये खुशखबरी अचानक सुनानी चाहता हूं मैं उन्हें तरफा तरफा के मारांगा उस सप ने मैनु यार बन के डंग मारिया है और उस सप का इलाज सिर्फ एक ही ओदी मौत। नहीं शेरिया नहीं तेरे तेरे पार आने की खुशी ते फिर दुश्मन की मौत का जश्न मनावा।